चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक बार फिर बड़ा झटका। एक साथ 20 बड़े नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अजमेर उत्तर से 4 बार के विधायक व वर्तमान चुनाव में भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वासुदेव देवनानी को टिकट मिलने के बाद भाजपा से बगावत करने वाले ज्ञात सारस्वत के खिलाफ देवनानी समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार गैर सनातनी होने संबंधित टिप्पणी कर रहे हैं। इससे खफा होकर अजमेर उत्तर भाजपा के 20 पदाधिकारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। भाजपा पदाधिकारी अपना इस्तीफा लेकर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन सोनी वहां नहीं मिले। इससे खफा होकर पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष के कार्यालय पर ही चस्पा कर दिए। इस्तीफा देने वालों में वार्ड संख्या 34 के बूथ अध्यक्ष गौरव शर्मा, वार्ड 46 के जितेंद्र सेन, वार्ड 45 कमल खत्री, वार्ड 64 के मनीष लोढ़ा, वार्ड 65 प्रदीप सिंह, वार्ड 76 के संकेत जोशी, वार्ड 60 रोहित देवड़ा, वार्ड 71 के दिनेश खटाड़ा, वार्ड 23 से अजमद खान, वार्ड 69 के विमल शर्मा, दीनदयाल मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष टीना गोयल, मीडिया विभाग से लविसा रमानी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हिमांशु बैसल, जिला मंत्री मोहित तुनवाल, दीनदयाल मंडल सह संयोजक विपुल गोयल, 62 के प्रभारी आशीष ओझा, वार्ड 34 के बूथ महामंत्री श्याम सुंदर जोशी, वार्ड 60 के बूथ प्रभारी नरेश कुमार, वार्ड 69 के बूथ प्रभारी भरत कुमार, वार्ड 71 के बूथ अध्यक्ष मुकेश शर्मा शामिल हैं। पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश ने कहा कि इन दिनों सारस्वत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट डाली जा रही है, जिसमें सारस्वत व उनके साथियों को हिंदू विरोधी व गैर सनातनी बताया जा रहा है। इसी से आहत होकर उन्होंने इस्तीफे दिए हैं।